तारक मेहता का उल्टा चश्मा में काफ़ी टाइम से जो स्टोरी चल रही थी वो सपनों के बारे में चल रही थी। जेठालाल सपना देखता है, भिड़े सपना देखता है कि टप्पू सोनू को प्रपोज करता है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर जो नई स्टोरी हुई है, बेसिकली गोकुलधाम में एक नई मुसीबत आने वाली है। हालांकि ये कोई बड़ी मुसीबत नहीं दिख रही, लेकिन एक खतरनाक मुसीबत है। और वो ये है कि जिस ऑटो रिक्शा में जेठालाल आता है उसका ब्रेक फेल हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब ये डेफिनेटली कोई सपना नहीं है, जितना प्रोमो में दिखाया गया है उसको देखकर तो यही लग रहा है। और ये भी साफ लग रहा है कि जेठालाल का एक्चुअली में ब्रेक फेल हुआ है ऑटो रिक्शा का। और शायद ये भी हो सकता है कि जेठालाल मजाक कर रहा हो अपनी पुरुष मंडली के दोस्तों के साथ कि उसका ब्रेक फेल हो गया है। ऑटो रिक्शा वाले को बोला हो चलो थोड़ा मजाक करते हैं, मेरे दोस्त बैठे हैं। तो ये भी चीज हो सकती है, दोनों ही चीज हो सकती है बेसिकली। एक्चुअली में फेल भी हुआ हो सकता है या जेठालाल मजाक भी कर सकता है। बाकी ये कोई सपना तो नहीं होने वाला। मतलब पिछली कुछ स्टोरीज को देखने के बाद हमें हर स्टोरी के बारे में सोचना पड़ रहा है, क्या ये भी तो सपना नहीं? तो इस मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ टाइम तक तो सपने वाली स्टोरीज बिल्कुल भी नहीं आने वाली, क्योंकि अब बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाता है कि सपना चल रहा है। कल को हो सकता है कि पोपट लाल की पूरी शादी की स्टोरी दिखा दें और बाद में बताएं कि ये पोपट लाल का सपना था। तो गाइस ऐसा भी कुछ हो सकता है। बाकी दोस्तों आप इस प्रोमो के बारे में क्या सोचते हो, जो ये ऑटो रिक्शा वाला आया है जिसमें जेठालाल का ब्रेक फेल हो जाता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना और वो बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।